कई बार कई साधकों के मन में ये प्रश्न अक्सर उत्पन्न होता है कि क्या भगवान कभी हमारा वरण करेंगे, कभी वो हमें अपनाएंगे। यानी कई बार अपने दोषों का चिंतन करके, अपनी अयोग्यता पर विचार करके कुछ लोगों के मन में निराशा आने लगती है और तब इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम जैसे अधम अयोग्य व्यक्ति का वरण भगवान करेंगे, क्या वे हमें अपनाएंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि ये प्रश्न भगवान के विषय में नहीं अपितु हमें अपने विषय में करना चाहिए कि हम भगवान को कब अपना बनाएंगे, उन्हें कब अपना मानेंगे। क्योंकि हमारे सर्वस्व, हमारे अकारण करुणा वरुणालय सनातन पिता भगवान, वो तो सदा जीवों की ओर देखते ही रहते हैं। उन्होंने तो हमें अपनाया ही हुआ है सदा से, क्योंकि वो तो ये बात जानते हैं कि जीव उनका है, उनका पुत्र है, उनका अंश है। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम उन्हीं के पुत्र हैं, इसीलिए तो वो सदा हमारे साथ रहते हैं। एक क्षण को भी अपने इस पुत्र को, जीव को अकेला नहीं छोड़ते और सदा हमारे हृदय में ही बैठकर हमारी प्रतीक्षा करते रहते। वे तो हमें हृदय से लगाने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं, प्रतिक्षण हमारी ओर देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए कि ये मेरा पुत्र कब मेरी ओर देखेगा, कब मुझे अपना मानेगा। यानी सारी गड़बड़ हमारी है कि हमने संसार का वरण करने के कारण अब तक भगवान का वरण नहीं किया है, उनको अपना नहीं माना, इसीलिए अब तक हम लक्ष्य प्राप्ति से, आनंद प्राप्ति से, ईश्वर प्राप्ति से वंचित हैं। और रही बात योग्यता की, तो कोई भी जीव कभी भगवान के योग्य नहीं हो सकता। और वास्तविकता ये है कि वो हमसे कोई योग्यता चाहते भी नहीं, वो तो यही चाहते हैं कि तुम जैसे हो, जिस भी स्थिति में हो, केवल मुझे अपना मान लो, बस, और कोई योग्यता नहीं चाहते। इसीलिए कहा गया, व्याधस्याचरणम् ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् वंशः को विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तिप्रियो माधव। यानी देखिए, व्याध का, रत्नाकर का क्या आचरण था, इतना निंदनीय आचरण, लेकिन फिर भी भगवत शरणागति से उसी जन्म में वो महापुरुष बन गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव की क्या आयु थी, इसी प्रकार गजेंद्र, उसके पास कौन सा ज्ञान था, कुब्जा के पास कौन सा सौंदर्य था, कोई रूप था, कितनी कुरूपा थी, फिर भी भगवत कृपा की अधिकारिणी बन गई।
सुदामा के पास कौन सा धन था, विदुर के पास कौन सा कुल था, किसी उच्च कुल में उसका जन्म नहीं हुआ था। इसी प्रकार राजा उग्रसेन, उनके पास कोई बल नहीं था, वृद्ध थे, लेकिन ये सब भगवत शरणागति से भगवान की कृपा के अधिकारी बन गए। भगवान ने न कभी शबरी की जाति देखी, न पांडवों की करनी पर विचार किया, न विभीषण की शक्ति पर विचार किया, बस जिसने भी उनको अपना मान लिया 100%, उसे भगवान ने हृदय से लगा लिया, सदा सदा के लिए उसके हो गए। तो इसी प्रकार भगवान हमें अपनाएंगे या नहीं, इस पर विचार न करके हमें अपनी स्थिति पर विचार करना है कि हम उन्हें कब अपना माने। और जिस दिन हम जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस दिन अपने आप को उनका मान करके कि हम उनके ही हैं, उनका स्वीकार करके अपने आप को उनके हाथों में बेच देंगे, अपना सर्वस्व उन पर न्योछावर करके उनके शरणागत हो जाएंगे, 100% उनको अपना मान लेंगे, बस उसी दिन हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी।